शिक्षा तो छोड़ो, उनके दर्शन तक नहीं किए और उनका जीवन परिवर्तन हुआ। तो मेरा जीवन पहले ऐसा था कि मैं एकदम पछाड़ आदमी था, दारू मटन मच्छी सब खाता था। मैं बचपन से मैं दारू पीता था, मुझे घर में मतलब हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं थी, कुछ भी पीता था, कुछ भी खाता था, मतलब जो मटन मच्छी भी सब खाता था मैं। मुझे दिमाग नहीं था, मैं ऐसा समझता था कि ये सब चीज़ में मज़ा है, खाने पीने में मज़ा है, पीने में मज़ा है, मटन मच्छी खाने में मज़ा है, मैं यही सोचता था यही जीवन है। मैं एक बार दारू पीने बैठा था, ये भाई ओमकार है, ये मेरे को लेने आए थे, बोले एक बार खाली तू आश्रम में चलो तुम दारू छोड़ देंगे। मैंने विचार किया कि एक बार इनको सत्संग में लाया जाए, जैसे मेरा जीवन परिवर्तन हुआ ऐसा इनका भी हो जाएगा। मैंने बाबूजी का चेहरा तक नहीं देखा हूँ मैं आज तक, मैंने बाबूजी को रूबरू भी नहीं देखा हूँ, खाली उनका सत्संग सुना हूँ तो मेरे जीवन में इतना इतना अच्छा हुआ है, इतना सुधर गया कि आज मेरे घर वाले मेरी इज्जत करते, पहले मेरे घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते थे। आज मेरा जीवन ऐसा था कि मैं एक गटर में पड़ा वाला इंसान था, आज मैं इतनी अच्छी जगह पे हूँ, मैं किस वजह से आज बापूजी की वजह से हूँ, बापूजी ऐसा संत नहीं मिलेगा मेरे को तो आज मैं कहाँ से कहाँ पड़ा रहता। बापू का केवल सत्संग सुनने मात्र से मतलब पूरा जीवन परिवर्तन हुआ। तो वास्तव में मोदी सरकार को, प्रशासन को मैं तो कोर्ट से भी आग्रह करना चाहूँगा कि सत्संग सुनने मात्र से अगर युवा का जीवन परिवर्तन होता है तो बापू समाज में आएंगे, बापू के और गांव-गांव सत्संग होंगे तो कितना देश में परिवर्तन आएगा। तो कम से कम ये कोरोना महामारी के अंदर बापू को राहत मिलनी चाहिए। अगर बापू जी जैसे संत अगर बाहर रह गए तो और भी परिस्थिति और भी अच्छी हो सकती है। बापू साहब के संत ऐसे दुनिया में है तो सब जीवन एकदम सुधर जा रहा है, अगर ऐसे संत नहीं रहेंगे तो कई दुनिया में लोग मर जाएंगे। तो मोदी सरकार से मेरी यही अपील है कि जल्द से जल्द बापूजी को बेल मिले, राहत मिले, ताकि हमारे जैसे युवाओं को सत्संग का लाभ मिले और हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। कोरोना महामारी के बीच कम से कम संत आसाराम जी बापू को जमानत तो मिलनी चाहिए। सतीश खलसे, मैं मेरी खाड़ी में रहता हूँ। मेरा जीवन पहले ऐसा था कि मैं एकदम पछाड़ आदमी था, दारू मटन मच्छी सब खाता था मैं, ये सब चीज़ को पहले मैं बहुत मानता था, मटन मच्छी खाने से अच्छा लगता है ऐसा। पर मैं बापूजी के आश्रम में खाली गया और सत्संग सुना हूँ मैं, मुझे इतना आनंद हुआ तो मैंने सोचा कि मैं संत करूँगा, गुरु करूँगा, तो मैं ये बापूजी को ही करूँगा। मैंने बापूजी का चेहरा तक नहीं देखा हूँ मैं आज तक, मैंने बापूजी को रूबरू भी नहीं देखा हूँ, खाली उनका सत्संग सुना हूँ तो मेरे जीवन में इतना इतना अच्छा हुआ है, इतना सुधर गया कि आज मेरे घर वाले मेरी इज्जत करते, पहले मेरे घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते थे। आज बापूजी की कृपा है कि उनका सत्संग सुन के मेरा इतना जीवन सुधर गया है। तो मेरी तो मानना यही है नरेंद्र मेहतो को बोलने के, क्या बापूजी को ऐसे संत को तो रहा कर देना चाहिए। पीते थे सब, मतलब टोटली व्यसन करते थे, मतलब घर वाले बोलते हैं, परिवार वाले बोलते हैं छोड़ दो तो छोड़ते थे। नहीं, मैं नहीं छोड़ता था क्योंकि मेरे में सब वो कचरा भरा हुआ था, खाने पीने का मेरे में सब कचरा भरा था। मुझे दिमाग नहीं था, मैं ऐसा समझता था कि ये सब चीज़ में मज़ा है, खाने पीने में मज़ा है, पीने में मज़ा है, मटन मच्छी खाने में मज़ा है, मैं यही सोचता था यही जीवन है। लेकिन रिश्तेदार परिवार सब लोग समझा के थक गए होंगे, शराब नहीं छोड़। नहीं सो, ये भाई मैं एक बार दारू पीने बैठा था, ये भाई ओमकार है, ये मेरे को लेने आए थे, बोले एक बार खाली तो आश्रम में चलो तुम दारू छोड़ देंगे। मैंने बोला अगर मैं आश्रम में आ गया और अगर मेरे से दारू छूट गई तो मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, चलो मैं आता हूँ। मैं आ गया, बापूजी का खाली सत्संग सुना, उनको देखा भी नहीं हूँ मैं, सत्संग सुन के मैं डायरेक्ट अच्छा हो गया। तो वास्तव में प्रशासन सरकार को, मोदी सरकार को वास्तव में इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बापू ने कईयों का जीवन परिवर्तन किया, जीता जागता उदाहरण है। बोले टोटली व्यसन करते थे, बोले परिवार बोले बोलते थे व्यसन छोड़ दो, नहीं छोड़ते थे। बोले 15 साल की उम्र थी तब से शराब पीते थे, पूरा परिवार मतलब पीछे पड़ गया था कि भाई कैसे भी करके लड़का शराब छोड़ दे, नहीं छूटी। बोले ये भाई ये ओमकार लोंडे की बात की तो ये ओमकार भाई है, आप बापू से दीक्षित हो? अजी मुझे कम से कम 9 साल हो गए बापूजी से जुड़े हुए। मेरे साथ जो मेरे बचपन के दोस्त थे, ये जैसे सतीश है, 10 लड़कों का हमारा ग्रुप है युवा सेवा संघ सत्संगी ग्रुप, जो 9 लड़के जो जुड़े हैं मेरे साथ बचपन से, हमारे क्रिकेट वगैरह हम साथ में खेलते थे, लेकिन उसमें से खाली मैं ही बापूजी से जुड़ा था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगे तो ये लोगों की दुर्दशा अलग ही होने लगी, अलग ही दिशा में जाने लगे। तो मैंने विचार किया कि एक बार इनको सत्संग में लाया जाए, जैसे मेरा जीवन परिवर्तन हुआ ऐसा इनका भी हो जाएगा। तो इनको मैं बोलता था दारू मत पियो, मटन मत खाओ, ये लोग सुनते ही नहीं थे। तो एक बार समय निकाल कर फिर मैं इनको सत्संग में लाता था, आश्रम में लाता था, सेवा में। इसमें उन्होंने बोला पहली बार आप अड्डे पे गए थे शराब के? हाँ, दो बार तो मैं इनके साथ भी गया था,
मैं बोला ये एक बार आप चलो नहीं पड़ता है तो फिर मेरी बात कभी आप सुनना ही मत। एक बार अगर मेरे अगर तुमको विश्वास नहीं आता है अगर एक बार चल के देखो, एक बार समय निकालो, अगर वहाँ पे आपको नहीं लगेगा ऐसा तो आप छोड़ देना, मेरी बात भी मत सुनो। तो वो आए जब से तो ये इन्होंने खुद दो तीन लोगों को साथ में सत्संग में लाया, उन्होंने भी सुधरा और वो भी उनका भी जीवन परिवर्तन हो गया। तो मोदी सरकार से मेरी एक ही मांग है, जो देश की व्यवस्था है क्राइम में, अगर ऐसे युवाओं में परिवर्तन होता रहा तो बहुत बड़ी सुरक्षा में, सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी राहत मिल सकती है सरकार को। अगर ऐसे ही सत्संग युवा, सत्संग से युवा लोग जुड़ते रहेंगे, ऐसे ही भक्ति मार्ग में चलते रहेंगे तो क्राइम का अगले आने वाले दिनों में नामो निशान मिट जाएगा। अगर बापूजी जैसे संत अगर बाहर रहेंगे तो और भी परिस्थिति और भी अच्छी हो सकती है। युवाओं के लिए बहुत ही अच्छे संदेश मिलता है सत्संग से, तो उससे क्या दारू पीने वाले, मटन मच्छी व्यसन, इससे युवा बच जाता है, अच्छे मार्ग में, संतों के मार्ग में लग जाते हैं। तो मोदी सरकार से मेरी यही अपील है कि जल्द से जल्द बापूजी को बेल मिले, राहत मिले, ताकि हमारे जैसे युवाओं को सत्संग का लाभ मिले और हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। तो वास्तव में अगर संत आसाराम जी बापू, उन्होंने बताया कि जेल के अंदर बंद है, दर्शन तक नहीं किए उन्होंने, उसके बावजूद बापू का केवल सत्संग सुनने मात्र से मतलब पूरा जीवन परिवर्तन हुआ। तो वास्तव में मोदी सरकार को, प्रशासन को मैं तो कोर्ट से भी आग्रह करना चाहूँगा कि सत्संग सुनने मात्र से अगर युवा का जीवन परिवर्तन होता है तो बापू समाज में आएंगे, बापू के और गांव-गांव सत्संग होंगे तो कितना देश में परिवर्तन आएगा। तो कम से कम ये कोरोना महामारी के अंदर बापू को राहत मिलनी चाहिए। क्या मांग करोगे आप भी वही कहना चाहोगे? मैं भी वही बोलना चाहिए, बापू जी को राहत तो मिलना चाहिए। बापू जी जैसा संत अगर इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो कई लोग तो भस्म हो जाएंगे। आज मैं भी देखो, आज मैं भी कोई लड़की के चक्कर में कहीं मर जाता अगर उसका मुझे प्यार आता तो आज मैं बापूजी जैसा सत्संग सुना हूँ तो यह सब करा हूँ तो आज मेरी दारू वगैरह सब छूट गया है। क्योंकि बापूजी का, बापू सर का संत ऐसे दुनिया में है तो सब जीवन एकदम सुधर जा रहा है। अगर ऐसे संत नहीं रहेंगे तो कई दुनिया में लोग मर जाएंगे। मेरे तो यही प्रार्थना है कि बापूजी सर के संत रहना चाहिए इस दुनिया पे। अगर उनके जैसा संत नहीं रहेंगे तो कई दुनिया तबाह हो जाएंगी। कितने ऐसे 2 साल से अब आप आ रहे हो? 2 से 3 साल हुए। ये जो आरोप लग रहा है बोले आश्रमों में गलत होता है, क्या कहोगे उन्हें? अरे ये लोग सब मूर्ख है, इन लोगों ने कुछ देखा नहीं तो वो लोगों ने बोलेंगे ही ना, वो तो उनके मन से कुछ भी टोकेंगे वो थोड़ी क्या मानेंगे। आज हमारे को इतना कुछ मिला है, हमारे को ही मालूम है कि हमको क्या मिला है। आज मेरा जीवन ऐसा था कि मैं एक गटर में पड़े वाला इंसान था, आज मैं इतनी अच्छी जगह पे हूँ, मैं किस वजह से हूँ? आज बापू जी की वजह से हूँ। बापू जी ऐसा संत नहीं मिलेगा मेरे को तो आज मैं कहाँ से कहाँ पड़ा रहता? ये कहीं जीवन मेरा सुधरा है, ये मुझे कितना कुछ मिला है। आज मतलब बिना गधा भी नहीं लौटता है, उसका भी कुछ मतलब रहता है जब भी वो भी लौटता है ना। तो इसके लिए भगवान ने मेरे को क्या दिया मैं उनको क्या बताऊँ? मुझे बापू जी सर का संत मिला है तो मुझे इतना सब मिला है मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो वास्तव में जो लोग संत आसाराम जी बापू को गलत बोलते हैं, बोले गलत होता है, वास्तव में उन लोगों को एक बार आश्रम में आके देखना चाहिए कि वास्तव में क्या होता है। अरे मैं तो बोलता हूँ यूट्यूब पे कितने सारे बापू के सत्संग है, एक बार आप सर्च करके देखो। क्योंकि ये आदमी ने शराब के ठेके से मतलब ये भाई लेके आया उनको कि एक बार चलो, आप एक बार सत्संग सुना पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। सरकार प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और कोरोना महामारी के बीच कम से कम संत आसाराम जी बापू को जमानत तो मिलनी चाहिए। क्योंकि बापू ने समाज उत्थान के काफ़ी सारे काम किए, हमने देखा जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती, जहाँ मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं करते, मैं तो दावे से कहता हूँ जहाँ सरकारें नहीं पहुँचती वहाँ तक बापू के भक्त पहुँचते, गरीब लोगों को जीवन उपयोगी चीज़ वस्तु देके उनकी मदद करते हैं। ये सब ग्राउंड पे बापू को कम से कम जमानत मिलनी चाहिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।